नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, ट्यूनिशिया। तो ट्यूनिशिया देश के जो प्रधानमंत्री है, इसने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार, दरअसल प्रधानमंत्री का जो है एक कचरा निस्तारण कंपनी में शेयर था और उसी कंपनी को 1,50,00,000 यूरो का जो सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था। तो प्रधानमंत्री एलियास फाफाक के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने की वजह से जो है कहीं अब तक ये जो है राजनीतिक खींचतानी चली। और एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रहित के ध्यान में को जो रखते हुए देश के लिए कठिनाइयां पैदा न हो, इसके लिहाज से जो इस्तीफा दिया ताकि संकट से उभरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो है होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष है अनिल अंबानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में किस नंबर पर पहुँच गए हैं। तो उनका जो है इस सूची में कौन से स्थान है, ऑप्शन हमारे पांचवा, चौथा, आठवा या दसवा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तो ये जो है पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन हमारे बारिश ऐप, मौसम ऐप, बादल ऐप या सार्थक ऐप। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसम ऐप। तो सेंटर की जो सरकार, इसने मौसम की जो है सही जानकारी के लिए जो मौसम ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। दोस्तों, अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ऑप्शन हमारे विशाखा पटेल, अंकिता चौधरी, कला नारायण स्वामी या जानकी खतरवाल। तो ये मिला है कला नारायण स्वामी को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कला नारायण स्वामी को जो है सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारे सुमित देव, स्वीता सिंह, रवि बनर्जी या देव पटेल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित देव को जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो अध्यक्ष है और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो भारत ने जो कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया है, ऑप्शन हमारे ध्रुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, देवास्त्र या शिव अस्त्र। तो कौन सी जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका जो है सफल परीक्षण किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवास्त्र जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला जो आइकॉन है उसे जोड़ दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, कलर्स के 100 खतरों के खिलाड़ी 10 का विजेता कौन बनाए, तो ये जो कलर्स पे जो खतरों के खिलाड़ी नाम से जो चैनल आता है उसके जो 10वें जो विजेता है ये कौन बने हैं, ऑप्शन है हमारे करिश्मा तन्ना, सुनीता पांडे, सुनीता यादव या करीना कपूर। तो ये बनी है करिश्मा तन्ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को खारिज कर दिया है, तो कौन सी याचिका है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ऑप्शन हमारे योग को स्कूल में अनिवार्य बनाने का, शारीरिक शिक्षा को स्कूल में अनिवार्य बनाने का, जल संरक्षण को स्कूल में अनिवार्य बनाने का या कंप्यूटर को स्कूलों में अनिवार्य बनाने का। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, योग को जो है स्कूल में अनिवार्य बनाने का जो ये याचिका डाली गई थी, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो जो SBI जो है इसका जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे संदीप महाजन, गोपाल शाह, अशोक चरण या PC कांडपाल। तो ये बने हैं PC कांडपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, PC कांडपाल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को जो आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के विधेयक पेश करने वाली है? तो कौन सी सरकार है जो पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए जो 50% जो आरक्षण प्रदान करने के जो विधेयक है इसको पेश करने वाली है? तो किसके द्वारा जो है पेश किया गया है? ऑप्शन हमारे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा की जो सरकार है इसने जो पंचायत के चुनाव है इसमें महिलाओं के जो 50% आरक्षण के जरिए जो विधेयक ये पास किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया? तो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में जो है ये रोजगार बाजार नाम से जो एक वेब पोर्टल शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या उड़ीसा। तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली की सरकार के द्वारा जो है रोजगार बाजार नाम से वेब पोर्टल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ बाद की जो नीति है उसको वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की है? तो ये कौन सा बैंक है जिसने जो है LIC के बाद की जो नीति है उसको वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते के साथ किया जाए घोषणा की है? ऑप्शन हमारे SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक या आंध्रा बैंक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जाए समझौते की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्री पली वीरा कोड़ी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये किस देश की महिला क्रिकेटर है श्री पली वीरा कोड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है हमारे श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। तो ये है श्रीलंका की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका की है श्री पल्ली वीरा कोड़ी जिसने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो अब ले लिया है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो कौन व्यक्ति हैं जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन हमारे नवदीप सिंह, साहिल सेठ, अमन वर्मा या लोकेश जायसवाल। तो कौन व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किया गया है साहिल सेठ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहिल सेठ जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के जो सचिव है ये पूर्व नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे अशोक चंद्र मौर्य, विमल खन्ना, रीवा गांगुली दास या अभिषेक खत्री। तो जो ये विदेश मंत्रालय है इसमें सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रीवा गांगुली दास को जो है ये विदेश मंत्रालय के जो सचिव है पूर्व नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट्स की शुरुआत किया है? तो ये जो इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट की जो शुरुआत है किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन हमारे पंजाब नेशनल बैंक, विजय बैंक, देना बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रकार जो इंस्टाक्लिक जो सेविंग अकाउंट की जो शुरुआत की गई है ये की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अगले स्थायी प्रतिनिधि है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें भारत के जो अगले स्थायी प्रतिनिधि है किन्हें नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन हमारे TS त्रिमूर्ति, संतोष कुमार, राजीव कुमार या सुरेश एन पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, TS त्रिमूर्ति को जहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के लिए 2021 पुरुषों के जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी के अधिकार को खो देता है। तो भारत जो है इनमें से किस देश के लिए 2021 में जो पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी इसके अधिकार को खो देता है। ऑप्शन हमारे सर्बिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्बिया। तो भारत जो देश है ये सर्बिया देश के लिए 2021 के जो पुरुषों के जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी इसकी मेजबानी के अधिकार को जो भारत ने खो दिया है। नेक्स्ट है, 2019 में सैन्य खर्च में दूसरा सबसे बड़ा खर्च कौन सा था। तो 2019 में जो सेना पर जो खर्च किया गया है इसमें सबसे बड़ा खर्च किन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या पाकिस्तान। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश के द्वारा जो है दूसरा सबसे बड़ा खर्च किया गया है। नेक्स्ट है, आयकर विभाग ने CBI, NIA सहित कितनी एजेंसियों के साथ पैन खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। तो कितनी कंपनियां जिनके साथ जाए जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन हमारे 15, 10, 16 या 12। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 10। तो ये जो आयकर विभाग है इसने CBI, NIA सहित या 10 एजेंसियों के साथ जाए पैन खाते की जानकारी साझा करने के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयों के दाम कम करने की घोषणा किया है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति है जिसने अब जो संकट की घड़ी में जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है इससे लड़ने के लिए जो दवाई हैं इनकी कमी को कम कर दवाइयों के जो दाम है उसको कम करने की घोषणा की है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने की है। ऑप्शन हमारे ब्राज़ील, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनके दाम को कम करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एक जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन हमारा इनमें से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है। तो ये जो 2021 की जो गेम है इनकी मेज़बानी किने सौंपी गई है। ऑप्शन हमारे पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक या हरियाणा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके बारे में जो डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।